नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारे सारे के सारे तथाकथित छद्म राष्ट्रवादियों ने मिलकर एक इतनी महान नेत्री को अपमानित करने का प्रयास किया। हमारे साथ हैं आज ओंकार चौधरी जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। ओंकार जी, नमस्कार। आप इतने महान टैलेंट को क्यों जाया होने दे रहे हैं, हम मुझे बताइए। जी, मुझे पता लगा कि वो विदेशों में ही पढ़ी लिखी हैं, अमेरिका में भी और लंदन में भी, और जितने ये विदेशों में पढ़ते हैं उनकी प्रतिभा का तो हमें कायल होना पड़ेगा, क्योंकि श्री श्री 108 राहुल गांधी जी भी विदेश के पढ़े हुए हैं जी, रॉयल कई। विंची है वो तो। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो ये सब ऐसी प्रतिभाएं। एक हमारे पड़ोस में भी बेनजीर भुट्टो के जो साहबजादे हैं वो भी विदेश के ही पढ़े हुए हैं। तो हाँ, ये बिलावल साहब। जितने जितने विदेश के पढ़े हुए होते हैं वो एक्चुअल में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो उनकी जड़ें हैं, उनके माता पिता, उनके दादा नाना की, उनकी नानी की जो जड़ें हैं, जो संस्कृति हैं, पता नहीं मतलब ऐसा क्या है विदेशी हवा में कि वहाँ वो हवा ऐसी लगती है कि फिर वो भारत की जड़ें भूल जाते हैं, भारतीय संस्कृति को भूल जाते हैं, और कुछ अलग ही हवा में बहने लगते हैं। अब बाकी सारी अगर चीज़ छोड़ भी दें तो जो अड़ानी वाला मसला है, एक ट्रैक रिकॉर्ड सा बन गया है पिछले 1.5-2 साल से, बल्कि इससे भी ज़्यादा समय से, और कुछ खास चेहरे हैं जो शायद किसी की सुपारी लेकर के अड़ानी को बदनाम करने में लगे हुए हैं और उनको आर्थिक चोट पहुंचाने की साजिशों में भी शामिल हो गए हैं। क्योंकि जब ये सो कॉल्ड रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, उसके बाद जिस तरीके से पार्लियामेंट को बाधित किया गया, पार्लियामेंट के बाहर भी रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जमावड़े लगाए गए, और मीडिया का तो आप राग देखते ही हैं, मीडिया जिस तरीके से इन चीज़ों को टेकअप करता है, और मीडिया हाउसेज में भी किस किस तरह के लोग बैठे हुए हैं, ये हमसे कोई दबा छिपा है नहीं। सबके कुछ हिडन एजेंडे हैं, सबके अपने कुछ एजेंडे हैं और रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एजेंडाधारी अब बाहर भी हो चुके हैं जो प्राइम शो पेश किया करते थे किसी ज़माने में। मीडिया हाउसेस का अपना एक अलग एजेंडा होता है, लेकिन उसमें भी काम करने वालों के अपने कुछ निजी एजेंडे भी होते हैं। तो इस देश में इसी तरीके से जो संसद के सदस्य हैं जिनको माननीय कहा जाता है, उनके भी अपने एजेंडे रहे हैं। इसी तरह की घटना जिस तरह की अभी हम घटते हुए देख रहे हैं महुआ मोइत्रा के रूप में, 2005 में जब सोमनाथ चटर्जी स्पीकर हुआ करते थे लोकसभा के, तब भी पैसे लेकर के प्रश्न पूछने का एक मामला आया था। 11 सांसदों पर आरोप लगे थे जिनमें से 10 की संसद सदस्यता चली गई थी, लेकिन तब स्पीकर जो हैं वो सोमनाथ चटर्जी जैसे व्यक्ति थे जिनकी एक रीढ़ थी, जिनके अपने कुछ, मेरे विचार से जिस विचारधारा की पार्टी से वो जुड़े हुए थे उससे थोड़ा सा ऊपर थे। आज की और तब की ये कम्युनिस्ट पार्टी भी काफ़ी बदल चुकी है, और ऐसे ऐसे चेंजेज इसमें आ गए हैं अब कि जहां इनकी जड़ें हुआ करती थी वहाँ से भी उखड़ गई हैं। कम से कम दो प्रदेश तो हमारे सामने हैं, पश्चिम बंगाल जहाँ इसकी 33-34 साल तक निरंतर सरकार रही, पहले ज्योति बाबू की और उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य की, और उसके बाद त्रिपुरा, दो स्टेट से तो एकदम खत्म ही हो गई है, लगभग खत्म ही हो गई है। बची खुची अभी केरल में है, यहाँ से भी जाएगी अगर ये लोग इसी तरीके से देश विरोधी हरकतों पर आमादा रहे, उतारू रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। एक
जब ये राहुल गांधी लंदन में जाकर के लोकतंत्र को खतरे में बता रहे थे, हमारे देश में पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है, हमारे यहाँ मीडिया और न्यायपालिका स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी के साथ जो माननीय गए हुए थे उनमें मनोज झा भी थे, सीताराम येचुरी भी थे और महुआ जी भी थी। और महुआ जी में और राहुल गांधी में कम से कम एक तो समानता है, संजय जी अड़ानी से बहुत प्यार करते हैं दोनों, और जहां भी जाते हैं तो अड़ानी का चर्चा किए बिना इनकी रोटी पचती नहीं है, खाना पचता नहीं है, नींद ठीक से आती नहीं है। और ये अड़ानी के प्रति इनका प्रेम कहां से है, किस तरीके से है, क्योंकि हम ये भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस भी इनसे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं अड़ानी साहब से, और हिंडनबर्ग हो या बीबीसी हो या कुछ और इस तरह के मीडिया हाउसेज हो, आपका अमेरिका के भी, लंदन के भी, और खाड़ी का भी एक चैनल है, एक मीडिया हाउस है जो बहुत प्यार करता है अड़ानी साहब से, क्यों ये सब चल रहा है ये तो लगभग पब्लिक के सामने आ चुका है। लेकिन जिस तरीके से अब ये जो नया नया इंडियन एलायंस बना था, जिसकी 3 बैठकें अब तक हो चुकी पटना, बेंगलुरु और मुंबई में, और चौथी बैठक का तो कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जूतम पेजार हो रही है आपस में, और जिस तरह गौतम अडानी को लेकर के ही अब चाहे ममता बनर्जी हों चाहे शरद पवार हों, उनका जो एक रुख दिखाई दिया है, इसके बावजूद के राहुल गांधी ने, ये कहीं से आपका फोन बज रहा है क्या वीरेन जी? जी 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 बज रहा है, बंद कर जी जी उसको जी। तो जिस तरीके से अब इंडी अलायंस के भीतर ही इनमें तीखे मतभेद पैदा हो गए हैं गौतम अडानी इशू को लेकर के, और ये तो मुंबई में भी हमने देख लिया था जब राहुल गांधी ने उस 27-28 दलों के जमावड़े के इतर जा कर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, और ममता बनर्जी कैसे बरसी थी कि भाई यहाँ पर आप क्या इंडिविजुअली अकेले जा कर के इस तरह की हरकतें कर सकते हैं क्या? फिर शरद पवार की 3-4 मुलाकातें गौतम अडानी से, और गौतम अडानी प्रकरण पर शरद पवार का अलग स्टैंड, ये सब चीज़ें बताती हैं। और मुझे तो संदेह है कि गौतम अडानी को जिस तरीके से टारगेट किया गया, दर्शन हीरानंदी का सपोर्ट लेकर के या उनसे मेल बनवा करके और सीधे लोकसभा सचिवालय भिजवा करके, उसमें ममता बनर्जी भी मुझे लगता है कि अंधेरे में रखी गई हैं। और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये इस समय मौवा मोइत्रा का ये एज पार्लियामेंटेरियन अंतकाल चल रहा है, क्योंकि जो मामला अब एथिक्स कमेटी के सामने है उसमें कार्रवाई तो सुनिश्चित है, क्योंकि जो आरोप निशिकांत दुबे ने लगाए उनकी तो पुष्टि कर दी ना दर्शन हीरानंदानी ने, जो जो आरोप उन्होंने अपने पत्र में लगाए थे स्पीकर को भेजे हुए पत्र में, उन सब की पुष्टि एक तरीके से हीरानंदानी ने कर दी है, तो इनके बचने की कोई उम्मीद है नहीं। ये हाथ पैर मार रही थी, कभी हाई कोर्ट जा रही थी, कभी मानहानि के केस करने की धमकी दे रही थी, नोटिस इशू कर दूंगी, और जब आदमी इस तरीके से बौखलाता है इसका मतलब ये है कि उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया गया है। जी संजय जी, और वीरेन जी जैसा बताया कि दर्शन हीरानंदानी ने तो पूरी पोल खोल दी, लेकिन ये जो कुत्ता प्रकरण है ये बड़ा रोचक है कि ये है, यदि कुत्ता नहीं होता बीच में तो संभवतः झगड़ा भी नहीं होता, और अगर कुत्ता नहीं होता बीच में और झगड़ा नहीं होता तो ये शिकायत भी नहीं होती। तो मैंने का मतलब ये है कि एक कुत्ते की वजह से बसा बसाया साम्राज्य टूट गया। जी मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा जोड़ता हूँ उत्तर प्रदेश से।
उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर के चिरकुट छुट भैया गली का गुंडा इसकी हैसियत क्या है, ये सब तो चल ही रहा था। मंदबुद्धि भी कहा गया किसी को, मैंने सुना। हाँ, मंदबुद्धि भी कहा गया, गली का गुंडा कहा गया। आज रामगोपाल ने कमलनाथ को छुट भैया नेता कह दिया और अखिलेश यादव ने कहा कि उनका तो नाम ही कमल है तो वो मेरा नाम सही कैसे ले सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझको वखलेश कहा। तो ये सब तो चल ही रहा था और ये नया मुद्दा आ गया जो अब जो ये तृणमूल कांग्रेस के एमपी का और बहुआ मोहित्रा का। इसमें एक बात तो बहुत साफ है कि ममता बनर्जी का से इसका कोई लेना देना नहीं था। ममता बनर्जी ने आपको पता है किस तरीके से उन्होंने अडानी को वो मनाकर ले गई बंगाल में इन्वेस्टमेंट कराने के लिए, तो वो तो हमेशा इसके खिलाफ थी। और जैसा अभी कहा चौधरी साहब ने कि जिस तरीके से बेंगलोर में इंडिया अलायंस की बैठक में राहुल गांधी ने अलग से जो अडानी के खिलाफ बयान दिया था उस पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई थी। जो सबसे जो इंटरेस्टिंग जो टर्न ये मुद्दा ले रहा है जो मैं देख रहा हूं कि जिस अडानी को इंडिया अलायंस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ हथियार के रूप में वो पिछले 5 साल से प्रयोग कर रहे थे, आज वही अडानी इस इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच में झगड़े का सबसे बड़ा कारण बन गया है। शरद पवार कहते हैं कि उससे हमारे पुराने संबंध हैं, उससे हमारे पारिवारिक संबंध हैं, हमारा आना जाना है। और ममता बनर्जी जो है अडानी को चाहती गुड बुक्स में रहे ताकि इन्वेस्टमेंट होता रहे। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के बयानों पर भी आपत्ति जताई है। तो मुझको लगता है कि ये अडानी के मुद्दे को लेकर के ये उठापटक और तेज होगी। और आपको ये पता ही है अभी हाल में शायद इसी हफ्ते केरला में जो विजिंजम पोर्ट का जो उद्घाटन हुआ है उसको लेकर के कांग्रेस और सीपीएम में जबरदस्त श्रेय लेने की होड़ मची हुई थी। और वो पोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि 50,000-1,00,000 टन से ज्यादा के जो शिप आते थे कंटेनर लेकर के, उनकी अनलोडिंग पहले श्रीलंका में होती थी या मलेशिया में या सिंगापुर में होती थी, उसके बाद वो ट्रांसशिपमेंट में इंडिया आते थे। अब ये जो बड़े पोर्ट जो शिप होंगे 1,00,000 टन या 80,000 टन के या इससे अधिक के, अब उनकी अनलोडिंग सीधे इंडिया में होगी और जिसका केरला की इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा, हजारों लोगों को रोजगार पैदा होगा, तब अडानी ठीक है। लेकिन अडानी जो है वो हाइफा का पोर्ट ले तो अडानी बहुत खराब है, वो देश के लिए बड़ा खराब। अब हाइफा इसराइल का बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, वो खराब है, लेकिन केरला का पोर्ट ठीक है। और जो अभी G20 की समिट में जो IMAC का जो कॉरिडोर के इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर के बारे में जो समझौता हुआ है उस कॉरिडोर के लिए हाइफा पोर्ट सबसे क्रूशियल पोर्ट है और उसके बाद ग्रीस का पोर्ट है फॉर द ऑनवर्ड जर्नी इनटू यूरोप। तो ये सब जो इनके इतने कॉन्ट्रडिक्शन जो हैं अडानी के मुद्दे के ऊपर उभर के सामने आएंगे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और जिस कैजुअल तरीके से महुआ मोहित्रा ने इस मामले को में जो उनकी भूमिका उभर के सामने आ रही है, और आज जो एक खबर छपी है ये इसी कुत्ते से भी जुड़ी है वो कि जिस वकील जो उनका वकील था गोपाल स्वामी उसने जो है डिफेंडेंट वकील से बात की कि भाई तुम लोग समझौता कर लो, दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कहा ये आपने किया। बाद में उस वकील ने महुआ मोहित्रा के केस से अपने को विड्रॉ कर लिया, ये तक तो हो रहा है इस केस में। तो और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि अपने राइवल वकील से जो है जो आपका प्लेंटिफ का वकील कह रहा है आओ भाई समझौता कर लो और ये मामला तो मुझे लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट की भी इस मामले में आने वाले दिनों में अब में अगर सुनवाई होगी तो कुछ इसके बारे में भी एडवर्स कमेंट आ सकते हैं जो महुआ मोहित्रा के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकते हैं। और ये कुत्ते का प्रकरण जो है मैं आपसे साफ कहूँ मुझे इसकी बहुत विस्तार से मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मेरा इस पर ध्यान ही नहीं गया कि ये कुत्ता इसमें कहा बहुत छोटी चीज आ गई है। तो मैंने सारा झगड़ा ही कुत्ते की वजह से है और आपने उसके ऊपर ही ध्यान नहीं दिया। तो कुत्ता चुरा लिया गया। हाँ, ये वकील साहब के पास इसकी खरीद की रसीदें हैं
उन्होंने कहा कि मैंने 75,000 में खरीदा था ये, और ये इन्होंने हड़प लिया। मतलब हड़प क्या लिया, तब दोस्ती थी दोनों के बीच में। अब दोस्ती में तो बहुत सारे तोहफे लिए और दिए जाते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं। लेकिन ये जो लेली समुदाय है, लेफ्ट लिबरल, इसकी शी वाज डार्लिंग ऑफ द लेली कम्युनिटी, लेफ्ट एंड लिबरल की। साहब लगता था कि पार्लियामेंट में विंस्टन चर्चिल बोल रहे हैं फीमेल वॉइस में, और उनके वीडियो जितना चलते थे सोशल मीडिया पे। आज बहुआ मोहित्रा ने ध्वस्त कर दिया नरेंद्र मोदी को, और एंड सच ए सैड एंड होगा बहुआ मोहित्रा का। और ये भी बात जो है, जो बात छुपाई गई है कि हीरा नंदानी अडानी का बिजनेस राइवल है, और ये इतना बड़ा अनइथिकल एक्ट है कि दो बिजनेसमैन की राइवलरी में एक एमपी ने अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लॉगिन और पासवर्ड उसके एक राइवल को दे दिया, और उसने करीब 51-60 सवाल पूछे हैं, और उसमें 51 खाली अडानी के बारे में है। तो और जैसा कि अभी कहा ये ओंकार चौधरी ने कि यूपीए गवर्नमेंट के समय 11 एमपी डिस्क्वालीफाई हुए थे, 10 लोकसभा के 1 राज्यसभा के, लेकिन उसमें एक भी मामला ये लॉगिन और पासवर्ड शेयर करने का नहीं था। उसमें एक भी मामला ऐसा नहीं था कि दो बिजनेस हाउस की राइवलरी में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी एक का मोहरा बन गया हो। तो इस लिहाज से ये अपने आप में अनइथिकल एक्ट का बहुत गंभीर मामला है, जो अब तक पहले कभी नहीं आया, और देखते आने वाले दिनों में आप देखिए इंडिया अलायंस में इसको लेकर कि काफी जो है उठा पटक होगी। और शरद पवार का और ये भी जग जाहिर है कि जो ये बताया जाता है कि अडानी जो है नरेंद्र मोदी के आदमी हैं, अडानी मूल रूप से जो दोस्त हैं वो शरद पवार के हैं, और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हैं। छिंदवाड़ा में जो पेंच परियोजना है, शायद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो अडानी के पास ही है, और उस परियोजना को लेकर के विवाद लगभग 2 दशक पुराना है। एनवायरमेंटल कंसल्टेशंस हैं, लैंड एक्विजिशंस हैं, उसको लेकर के वहां पे बहुत आंदोलन भी चला है, पुलिस की फायरिंग भी हुई है वहां पे। एक समाजवादी पार्टी का था एक एमएलए सुनीलम, वो जेल भी गया था। ये सब पुरानी बात, ये सब रिकॉर्ड में है, और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो ऐसे आदमी को और ऐसे आदमी की के चलते ये, और इसका मतलब ये जो महुआ मोहित्रा जी हैं, ये चूंकि विदेश की पढ़ी हैं, तो इनको शायद वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स के अलावा बाकी राज्यों में क्या हो रहा उसका उनको जरा भी क्या ज्ञान या समझ नहीं थी कि अडानी बस खाली गुजरात के हैं और मोदी गुजरात के हैं, और जो चाहो आरोप हवा में उछाल दो वो लोग मान लेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल और महुआ मोहित्रा के बारे में जो बात ज्यादा नहीं कही जाती है, ये भी उसी कॉरपोरेट वर्ल्ड की हैं जिससे राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कि वो सूट बूट की सरकार जो बताते थे नरेंद्र मोदी को, तो ये भी उसी सूट बूट समुदाय से तो आती हैं। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थी, शायद किसी इंटरनेशनल बैंक में, मल्टीनेशनल बैंक में। तो ये सब जो हो रहा है, ये जो पप्पू क्लास जो है, जो अंग्रेजी बोलने वाला एंग्लिकन क्लास है, जिसको राजनीति की समझ नहीं है, और रीजनल पार्टी के वोट बैंक के सहारे वो पार्लियामेंट को वो अगर वो इलेक्ट हो गई और ये मानने लगे कि वो बहुत बड़ी नेता है, तो ये उनका भ्रम अब दूर हो जाना चाहिए, और इससे उनकी राजनीतिक अज्ञानता और एक पॉलिटिशियन को, एक इलेक्टेड पॉलिटिशियन को कंडक्ट कैसे करना चाहिए अपने पब्लिक अफेयर्स को, इसके बारे में भी उनकी बहुत ही दयनीय समझ इस पूरे घटनाक्रम से उजागर होती है कि उनको पता ही नहीं कि पॉलिटिशियन को कैसे बिहेव करते हैं। मैंने पिछले 35 सालों में दिल्ली में बहुत से एमपीज को देखा है, और ज्यादातर एमपीज को ये लॉबिंग फर्में प्रेशर ग्रुप दिन भर घेरते हैं। एक एमपी के यहाँ सेशन के दौरान एक दिन में 150 न्योते आते हैं, कोई एमपी किसी का नहीं जाता है, और ये सवाल पूछवाने वाले, लेटर लिखवाने वाले और ये ज्ञापन पे साइन करवाने वाले दिल्ली में तो घूमते रहते हैं हर एमपी के पास, इसमें नई बात क्या है। लेकिन जो लोग जानकार हैं, समझदार हैं, जिनको मालूम है, वो इन सबसे दूर रहते हैं, और इसमें बहुत लोग फंस भी जाते हैं। यूपी असेंबली में भी
एक जमाने में ऐसे मामले हुए हैं कि एमएलए ने सवाल पूछा, पार्टी ने संपर्क किया तो उसने सवाल विड्रॉ कर लिया। लेकिन असेंबली में ऐसी समस्या, ऐसी लॉबिंग की घटनाएं कम है, लेकिन दिल्ली में और विशेषकर 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म के शुरू होने के बाद बहुत ही मजबूत सोशल एडवोकेसी ग्रुप्स हैं और एनजीओ तो दिल्ली में भरे पड़े हुए हैं। एनजीओ का तो काम ही है, वुमेन राइट हो, चिल्ड्रन राइट हो, जल जंगल जमीन का जो जो आपका लेली समुदाय का माफिया है इसे कौन नहीं जानता। ये सब लोग बहुत सक्रिय रहते हैं, लेकिन जो एमपी समझदार होते हैं, जो जो जानकार होते हैं और जिनको जमीन की जानकारी होती है, वो कभी इन सब से, वो इनसे दूरी बना के रखते हैं, कभी इनके ज्ञापन पे सिग्नेचर नहीं करते, कभी इनके ऊपर पत्र नहीं लिखते। लेकिन इससे महुआ मोहित्रा का जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स है या दिल्ली के में के अराउंड जो लोग सक्रिय हैं, जो जो इलीट सर्किल है, इसकी उनको कोई जानकारी इसका मतलब नहीं थी जो उन्होंने ये इतना, और मैं कहूंगा इट्स एक्ट ऑफ इंडिस्क्रिशन कि आपने अपना पार्लियामेंट्री लॉगिन पासवर्ड दोनों एक आदमी को दे दिया जो कि दुबई में बैठा हुआ है, जो कि इंडिया में भी नहीं है। और ये हीरा नंदानी तो बॉम्बे की बहुत बड़ी रियल एस्टेट ग्रुप है, उसका उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यूपी में भी है, नोएडा में डाटा सेंटर उसने बहुत बड़ा बनाया है, अडानी का भी है। तो ये जो है अपने ये एक बहुत, बल्कि गवर्नमेंट को ये मजबूर करेगा कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लॉग इन पासवर्ड देने के बारे में सरकार का जी जी जी। अब हम आगे चलते हैं वीरेन जी, हम चलते हैं वापस ओंकार जी के पास में, और ओंकार जी से मैं यही पूछना चाहूंगा कि साहब, अब निशिकांत दुबे ने तो लोकपाल के पास भी शिकायत कर दी, और आपको पता है लोकपाल के पास जो शिकायत होती है वो गंभीर होती है, उसमें एफिडेविट देना पड़ता है, यदि गलत साबित होती है तो वो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होती है, ऐसा लोकपाल एक्ट में लिखा हुआ है। तो महुआ मित्रा की तो संसद सदस्यता ऐसा लगता है कि गई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इसका क्या लाभ उठाने का प्रयास करेगी? देखिए, महुआ मोहित्रा जो है वो टीएमसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और टीएमसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से है? कृष्णा नगर से, जो ममता बनर्जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है। तो ममता बनर्जी के तो बहुत करीबी हैं वो, हम तो यही मान करके चलेंगे ना कि ममता बनर्जी ने अगर वहाँ से इनको टिकट दिया है, पहले एमएलए लड़वाया फिर एमपी का टिकट दिया, तो वो जाहिर है ममता बनर्जी की बहुत करीबी हैं। ममता बनर्जी को क्या डिच करके या विश्वास में ना लेकर के कोई पार्लियामेंट में किसी तरह के सवाल, अनवरत सवाल किन्हीं खास मकसद से कर सकता है? मतलब बहुत लंबे समय तक कर सकता है क्या? कई सेशन में कर सकता है क्या? और क्या ये ममता बनर्जी के वाकई नॉलेज में नहीं था? ऐसा हम मानने को तैयार नहीं है। बीच में कुछ ऐसे विवाद हुए हैं जब ममता बनर्जी की नाराजगी की कुछ वजहें सामने आई कि ममता बनर्जी इनसे नाराज हैं, एक आध और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनसे भी नाराज है। क्या वो यही वजह थी या कोई और दूसरे कारण थे जिनकी वजह से ममता बनर्जी इनसे नाराज थी और इनको चेतावनी भी दी थी? कुछ कुछ स्टेटमेंट भी ममता बनर्जी के तब आए थे, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। अब जो ये सवाल के भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर 2 से 303 तक पहुंची है तो वो रातों रात बिल्कुल नहीं पहुंची है, और जो उनके उनकी नीतियां होती हैं, जो उनके कार्यक्रम होते हैं, ठोक बजा करके जो वो नेतृत्व तैयार करता है, और अलग अलग राज्यों में सफलतापूर्वक उन्होंने गवर्नमेंट जो है गवर्न की हैं, तो कम से कम वो इतना तो जानते ही हैं कि जो ये इस समय बिल्कुल सिर पर 5 विधानसभा चुनाव हैं, इनमें इस तरह के मुद्दों को किस तरीके से आगे लिया जाएगा, और फिर लोकसभा चुनाव भी आ ही रहे हैं, और ममता बनर्जी उन चेहरों में हैं जो अपने को भावी प्रधानमंत्री के
चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती हैं। अब जो उनके सहयोगी हैं वो उनको चेहरे के तौर पर गंभीरता से ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन उनकी कुल मिलाकर के कोशिश ये होगी कि पश्चिम बंगाल की जो उनकी पार्टी की पिछली बार की परफॉर्मेंस थी 22 सीटों की उससे थोड़ी सी बढ़ जाए और भारतीय जनता पार्टी की 18 से नीचे रह जाए या जितना उसको कर सकें। लेकिन ये ऐसे मुद्दे होते हैं जब प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर भी कौन, नरेंद्र मोदी जो बहुत ही तेज दर्रार हैं, मुद्दों को उनके यहाँ जिस तरीके से लिस्टेड किया जाता है, अलग अलग राज्यों को लेकर के जो मुद्दे तय किए जाते हैं, उनकी रैलियों से पहले जो उनको पॉइंट्स बना करके दिए जाते हैं, वो एक बहुत ही कोई सॉलिड और सुधी टीम है। तो जब वो पश्चिम बंगाल जाएंगे लोकसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए, तो ऐसे और भी कई मुद्दे उनके हाथ में होंगे टीएमसी से जुड़े हुए, चाहे पार्थ चटर्जी अर्पिता बनर्जी वाला हो या सुब्रत मंडल वाला हो या अब नया नया जो ये अब जुड़ गया है इनका महुआ मोहित्रा का ये हो, क्योंकि तब तक तो इनकी संसद सदस्यता जा चुकी होगी, इन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई होगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पिछले कुछ समय से नरेंद्र मोदी जितने आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, आम तौर पर बस वो मुद्दों को छूते थे, निकल जाते थे, पब्लिक के लिए छोड़ जाते थे सोचने के लिए, लेकिन इधर उन्होंने कुछ संकेत और संदेश देने शुरू कर दिए हैं कि जिन जिन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन पर इस तरह की चीज़ें हैं, चल रही हैं, और जो इवन जो जमानत पर भी बाहर हैं, उनके लिए बख्शीश कोई नहीं है। और जिस तरीके से ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है, सतेंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, आगे भी चर्चाएं चल रही हैं कि शायद बहुत जल्दी एक और बड़ा चेहरा जो है वो लपेटे में आता हुआ दिखाई दे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में खुद ममता बनर्जी के भतीजे और उनकी भतीजे की पत्नी और साली, वो भी रडार पर हैं जांच एजेंसियों के, उनसे पूछताछ ऑलरेडी कई बार हो चुकी है, तो अब तो परिणति तक मामला पहुंचना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं, ये संकेत देती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अब किसी को क्षमा करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये भी एक ऐसा मुद्दा है उनके हाथ में जिसको वो जाया नहीं होने देंगे। संजय जी, सही बात जी, जी जी बिल्कुल ठीक है। तो अब ये बताएं कि साहब एक ही तो मुद्दा था राहुल गांधी के पास, पिछला पूरा जो चुनाव था वो उन्होंने चौकीदार चोर है करके रफाल के मुद्दे पर लड़ा, और इस बार पूरा चुनाव अडानी के मुद्दे पर लड़ रहे थे। तो जब अडानी ही नहीं रहेगा मुद्दा, तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्यों वीरेन जी, उनके पास जो है सनातन धर्म डेंगू है, एड्स है, वायरस है, कोरोना वायरस है, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा उनके पास मुद्दा वो जब आजकल वो बोलते हैं जातिगत जनगणना हो, सामाजिक न्याय हो, तो मुझे लगता है कि जो है रामास्वामी नायकर का पुनर्जन्म हो गया है, ईवी रामास्वामी नायकर का। मैंने उनके लेख बहुत पढ़े हैं, या तो मैंने उनकी 60-70 के दशक की जो उनकी भाषा थी, जो लोहिया के संग पेरियार की बैठक हुई थी, लोहिया ने अपने किताबों में उसका जिक्र भी किया है। तो मुझे लगता है कि लोहिया का पुनर्जन्म हो गया है राहुल गांधी में। और लेकिन जब उनको जब उनके किसी साथी कहां लोहिया कहां राहुल गांधी मतलब उनके साथी ने उनको याद दिलाया था। मैंने कई लोगों को बताया था कि 1990 में जब मंडल आयोग लागू हुआ था, तब राजीव गांधी लोकसभा में लीडर ऑपोजिशन थे, और उन्होंने मंडल के खिलाफ 2.5 घंटे का भाषण दिया था राजीव गांधी ने। तो और जिस तरीके से कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी बोलते हैं, तो उससे लगता ही कि उनको शायद पूरे प्रकरण की समझ ही नहीं है। तो उनके पास केवल वही स्टालिन के बेटे का बयान है, जातिगत जनगणना है,
और किस प्रकरण की, किस प्रकरण की समझ है जरा ये तो बताइए। उन्होंने बड़ा सवाल है वीरेंद्र जी, इसको टालिए मत, आप बताएं पहले, सबसे पहले उन्होंने काशीराम का नारा चुरा लिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा हमने 80 के दशक में सुना था। और काशीराम की पार्टी का जो है वो सफाया हो चुका है उसी नारे के साथ साथ। तो बस अब यही मुद्दे उनके पास हैं। और आज मैं जो है एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कांग्रेस के ऊपर, 2020-21 से लेकर के 23-24 इन 4 सालों में केंद्र सरकार ने जो फ्री फूड रेन बांटा है उसकी केंद्र सरकार के बजट पे जो कॉस्ट आई है वो 13.85 लाख करोड़ है, 13.85 लाख करोड़। तो जो लोग ये कहते थे कि साहब ये मोदी जी 15 लाख रुपए हर आदमी को देंगे तो उसका हिसाब यही है। और अगर आप इसमें फ्री एलपीजी सिलेंडर जोड़ लें, टॉयलेट जोड़ लें, आवास जोड़ लें, आयुष्मान भारत जोड़ लें, फ्री बिजली कनेक्शन जोड़ लें, पीएम किसान सम्मान योजना जोड़ लें, और जो केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से करीब 29 लाख करोड़ रुपया सीधे लोगों के खाते में भेज चुकी है, तो ये सारा पैसा 50 लाख करोड़ के ऊपर जाता है। अब इसके बारे में तो अपोजिशन के पास कोई कार्ड वो ढूंढ नहीं पाए हैं। 31 मार्च 2023 को 20 साल बाद ये पहला मौका आया जब सारे सरकारी बैंक फायदे में थे और टोटल प्रॉफिट 1.5 लाख करोड़ का था। इसके पहले कभी नहीं हुआ ऐसा कि इतने फायदे हो। तो ये सब तो जब इतने हैवी डाटा हैं, और आज ही खबर आई है कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक की है और उसमें ये विचार हो रहा है कि जितने हमने वेलफेयर प्रोग्राम चलाए थे अब उनके सैचुरेशन की घोषणा करने का समय आ गया है। ये कैसे होगा, कब होगा, या इसमें क्या क्या कहां क्या कमियां रह गई हैं? तो राहुल गांधी के पास तो केवल मुद्दे यही हैं। और चूंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी, एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी के वो अध्यक्ष रह चुके हैं जिसने देश को आजाद कराया, वो अलग बात है कि उस राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना भी एक अंग्रेज ने की थी और उसके 6-6 राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अंग्रेज सिविल सर्विस के अफसर थे। तो हम ये मान के चलते हैं, इट्स माय अजम्पशन, कि उनको देश के हर मुद्दे की समझ है। उस पार्टी ने राष्ट्र को आजाद कराया था या कि अंग्रेजों ने देश को आजाद करके और उनको अपना, जिसको हम कह सकते हैं, चौकीदार नियुक्त कर दिया था भारत में? वाइसराय, द फर्स्ट ब्राउन साहिब, वाइसराय नियुक्त किया था। तो हम ये मान के चलते हैं फर्स्ट इंडियन वाइसराय। और राहुल गांधी 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तब तो वो कलावती के घर गए थे बुंदेलखंड में, यहाँ झांसी में, और उन्होंने बड़ा उसको मुद्दा बनाया था। अमित शाह जी ने भी हाल में पार्लियामेंट में कहा कि उसको आवास और बिजली हमने मोदी जी ने प्रोवाइड किया है। तो हम ये मानते हैं कि राहुल गांधी जी को हर मुद्दे की व्यापक समझ है और वो जो है अंग्रेजी में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, कुछ उर्दू में भी बोलने लगे हैं, और उन्होंने इतनी ज्यादा समझ है, उर्दू में ही बोलने लगे जी, उनको इतनी ज्यादा समझ है कि उन्होंने घोषणा कर दी है कि राजस्थान में उनकी पार्टी की सरकार वापस नहीं आ रही है। तो उससे गहलोत जी बड़े परेशान है, ये क्या हो गया? तो उनको समझ में तो पे अगर कोई शक कर रहा है तो चौधरी साहब, आई एम सॉरी, इट्स एन एक्ट ऑफ ब्लास्फेमी। तो वहां पे दोनों सज्जन बैठे हुए हैं, दोनों सज्जन उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हैं। तो अब आप हमें ये भी बताएं कि अडानी का मुद्दा जाने के बाद और अखिलेश यादव की पार्टी से लड़ाई होने के बाद आप लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति देखते हैं? कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? कांग्रेस की सीटें तो साहब बाद में हम तय करेंगे, पहले उनके पास उम्मीदवारी नहीं है। जो उनका वर्तमान अध्यक्ष है अजय राय, ये पहले बीजेपी का विधायक था। इसके पहले जो इनका अध्यक्ष था खाबड़ी, वो बहुजन समाज पार्टी का पहले एमपी रह चुका था। उसके पहले जो अध्यक्ष था राज बब्बर, वो समाजवादी पार्टी का और लोहिया वानी का पुराना नेता था। तो ये जब अध्यक्ष ही लाते हैं सपा बसपा भाजपा से, तो ये कहाँ लड़ाएंगे? समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता दू। 1990 में अयोध्या में फायरिंग के बाद जब जनता दल स्प्लिट हो गया था,
तब कांग्रेस के 93 एमएलए के समर्थन से मुलायम सिंह की सरकार बची थी। 93 में जब जो है सपा बसपा के गठबंधन से सरकार बनी थी उसका बहुमत नहीं था, तब 30 एमएलए कांग्रेस के उन्होंने समर्थन दिया था। और उसके बाद 2003 में जब ये बीएसपी बीजेपी की सरकार गिर गई और उसके बाद जो है सपा की सरकार बनी, तो उसमें टेक्टिकल सपोर्ट कांग्रेस का था। वो अलग बात है कि उस समय सोनिया गांधी ने और कानपुर के मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने मुलायम सिंह को रोज अपमानित करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। 2017 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सब कांग्रेस का सपा से अलायंस हुआ, इलेक्शन हुआ और उस समय नारा था दो लड़कों का साथ पसंद है। वो साथ इतना पसंद आया कि समाजवादी पार्टी 236 से 47 पे आ गई और कांग्रेस जो है 7 पे आ गई। ये हाल रहा और कांग्रेस को सीटें दी थी 115 सपा ने। मुलायम सिंह ने बार बार चेताया कि तुम ये कदम आत्मघाती है, ये मत करो। 2019 में सपा बसपा आरएलडी तीनों साथ आ गए, सीटें कितनी मिली 15, 10 बहुजन समाज पार्टी को 5, सपा को आरएलडी 0। अब फिर ये आ गया है, फिर समय आ गया है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपने तो कहा था कि ये अलायंस है पूरा, अब आप बता रहे हैं कि ये खाली लोकसभा के लिए है, ये राज्य की विधानसभा के लिए नहीं है। अगर हमें पहले बता दिया होता तो हम दिग्विजय सिंह के पास अपने नेताओं को भेजते ही नहीं। तो ये और फिर वो कल वो बोलेंगे कि ये अलायंस तो शायद पंचायत चुनाव के लिए भी नहीं है, नगर निकाय चुनाव के लिए भी नहीं है। तो इस तरह की जो टेक्निकल भाषाओं बातों को लेकर विवाद हो रहा है, तो आई डोंट सी एनी होप फॉर दिस अलायंस इन उत्तर प्रदेश। और समाजवादी पार्टी के लोग वो पब्लिक में जो भी उनका ब्रेव फ्रंट हो, उनका ये साफ कहना है कि हमारी सारी लड़ाई, सारी ताकत, सारे साधन 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के हैं। और समाजवादी पार्टी का जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो 2004 में रहा है, जब इनकी सीटें 35 या 36 सीटें आई थी। और उसके बाद 2009 में जब मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह से गठबंधन किया था तब इनकी 20-22 सीटें आ गई थी और बाकी इस और 2019 में 5 थी, आज घटके 9 है। आजमगढ़ बाई इलेक्शन ये हार चुके हैं, रामपुरी हार चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस अलायंस के बारे में कुछ भी नया नहीं होने वाला है और 2-4 सीटें कहीं मिल जाए, 1-2 कांग्रेस को मिल जाए और अमेठी तक कांग्रेस लड़ने का अभी उसका इरादा कहीं सामने नहीं आया है। प्रियंका गांधी के बारे में भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कि शी विल कम टू रायबरेली। और गांधी परिवार से कोई लड़ने अगर रायबरेली नहीं आएगा तो कांग्रेस उन सीटों को, इस सीट को जीतने की क्षमता आज की तारीख में नहीं रखती है। सेम अप्लाइज टू अमेठी। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। इमरान मसूद आ गया है, वो भी अच्छा लड़ेगा आपकी बात सहारनपुर से। जी। अब ओंकार जी से हम इसी बारे में पूछ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। ये जो अडानी का जो मुद्दा बार बार सामने आता है और उछाला जाता है, ये शायद हमारा अकेला ऐसा देश होगा संजय जी जहाँ उद्योगपतियों को विलेन बनाने की कोशिश की जाती है या जिनको जिन्हें बीमारी है कि वो उद्योगपतियों को के कंधों पर बंदूक रख करके जो है किसी पर निशाना साधे। अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों को हम देखते हैं जब वो शिखर वार्ताओं के लिए जाते हैं, उनके हवाई जहाज भरे हुए होते हैं वहाँ के प्रमुख उद्योगपतियों से और वो अपने उद्योगपतियों के लिए संभावनाएं तलाश करते हैं, बाकायदा शिखर वार्ता में बैठ करके उन देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ। हमारे यहाँ जिस तरह की बेशर्मी, बेहयाई और जितना बड़ा नुकसान ये तथाकथित हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के अडानी समूह को पहुँचवाया गया, ये केवल एक उद्योग समूह को नुकसान नहीं है, वो भारत का नुकसान है। और मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह की मुहिम कुछ लोग किन्हीं भारत विरोधी तत्वों के साथ मिलकर के रचते हैं और उस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, इसको हतोत्साहित किए जाने की जरूरत है। मूल सवाल पर मैं आता हूं उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो जितना बेहतरीन वातावरण
आज और बीते हुए कल में दिखाई पड़ा है अखिलेश वखिलेश प्रकरण से। मैंने आज एक वीडियो मैंने बनाया था कि कांग्रेस अगर बाकी नेताओं के बारे में भी इसी तरह की टिप्पणियां करे तो वो टिप्पणियां कैसी होंगी। जैसे ममता केजरीवाल वेजरीवाल पवार सवार और अखिलेश वखिलेश तो आ ही गया है। तो अलग अलग नेताओं के बारे में कांग्रेस के जो विचार हैं हमें वो तो याद होगा ना, 2019 मई में जब आखिरी चरण का मतदान होने ही वाला था, मत पड़ने ही वाले थे लोकसभा के, तो सैम पित्रोदा ने 1984 के दंगों के बारे में, सिख विरोधी दंगों के बारे में क्या टिप्पणी की थी। हुआ तो हुआ। तो ये वो कांग्रेस है, ये इतने बेशर्म लोग हैं जो किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी करते हैं। 2004 को याद करिए, जब अटल जी की सरकार गई थी और कांग्रेस की मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी, कितनी सीटों का अंतर था दोनों पार्टियों के बीच में। भारतीय जनता पार्टी को 138 सीटें मिली थी, इनको 145 सीटें मिली थी, 7 सीटों का फर्क था। तो इसके बावजूद जो ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा की तर्ज पर इन्होंने सरकार बनाई और चलाई 5 साल, उसमें इनकी एरोगेंस जो है वो देखने लायक थी। और 2009 में तो जब 206 सीटें कांग्रेस की आ गई, उसके बाद तो ये एरोगेंस इनकी डबल हो गई थी। और उस डबल एरोगेंस में इन्होंने जो पाप और धत कर्म किए थे उसका नतीजा ये हुआ कि 2014 में जब अगले लोकसभा चुनाव हुए, तो आज़ादी के बाद जितने लोकसभा चुनाव हुए हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट करके रह गई हो। तो वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई है पर बट नहीं गए। इनकी जो गर्दन है वो टेढ़ी की टेढ़ी है अभी भी। ये भाई आप छोड़ दीजिए, अखिलेश वखिलेश कहेंगे आप, वो जैसे भी हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अगर हम देखें तो जनाधार वाले नेता हैं। कांग्रेस का तो कोई किस्सा ही नहीं बचा है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के तो फिर भी 111 MLA चुन करके आ गए ना, आपके कितने आए हैं, उनको कितना वोट शेयर मिला है समाजवादी पार्टी को, और आपको कितना मिला है। और जो बात अभी रहमदिली दिखा रहे थे भट्ट साहब के, दो तीन सीटें जो है वो कांग्रेस की आ सकती हैं, मैं कहता हूं, परिवार की जी, मैं कहता हूँ शून्य आएंगी कांग्रेस की। इस मैं भी शून्य के पक्ष में हूँ। हाँ, इस बार सोनिया गांधी भी नहीं जीतेंगी रायबरेली से, मैं लिख करके दे सकता हूँ ये चीजें। हालांकि राजनीति में कभी भी कोई गलत साबित हो सकता है, लेकिन आज का जो सीन है, आज जो कांग्रेस की स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका खाता भी खुलेगा। ये इमरान विमरान को भूल जाइए, ये नहीं जीत सकते। हो सकता है मुकाबले में रहे, लेकिन मुकाबले में रहेंगे, बस जीतेंगे इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस को तो भूल जाइए। समाजवादी पार्टी का भी कोई हाल बहुत अच्छा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का भी हाल अच्छा नहीं है। अभी तक का जो सीन है, जो फीडबैक है, और जिस तरह के काम हो रहे हैं, अभी एक दिन पहले ही तो साहिबाबाद और दुहाई के बीच में नई रैपिड एक्स का उद्घाटन करके गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। तो उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से इन लोगों ने एक ट्रैक पर डाला है, विकास के ट्रैक पर डाला है, जिस तरीके से नए नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, नई नई परियोजनाएं आ रही हैं, एक्सप्रेस वेज हाईवेज के मतलब लाइन लग गई है बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निवेश आ रहा है, एक ऐसा वातावरण बन रहा है। मैं तो आज गया था परिवार के साथ के, चलो जो नई ट्रेन, भारत की पहली ट्रेन है ये, इसकी जरा बाहर ले ली जाए, हवा ले ली जाए, और स्टेशन पर भी और गाड़ी के भीतर भी जिस तरह की चर्चाएं सुनने को मिली हैं वो तो बताती हैं कि लोगों की दीवानगी जो है वो नरेंद्र मोदी नाम के प्रति सिर चढ़ करके इस समय बोल रही है।
तो उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है संजय जी के जो 2014 में इन्होंने एक कारनामा किया था उससे एक दो सीटें ज़्यादा ही आएंगी, उससे कम नहीं आएंगी। जी चलिए, तो अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर। दर्शकों के प्रश्नों को ले लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है मनीष जी का। सर ये तो सब होता रहेगा, क्यों ना हम मोदी जी को JD के माध्यम से निवेदन करें कि 100-200 अज्ञात बंदूकधारियों को नौकरी दे दें जिससे देश के दुश्मनों को खत्म करने में मदद मिले। अरे हो तो रहा है आजकल पाकिस्तान में, कनाडा में, निपट रहे हैं वो सब देश के दुश्मनी तो हैं, अज्ञात बंदूकधारी। हालांकि जो आप कहना चाह रहे हैं जबरदस्त आतंक है आजकल। जी जी नेक्स्ट। RM, it is extremely unfortunate we don't have any meaningful opposition. BJP has to be kept in check, cannot trust any politician. ये तो है, लेकिन उसके लिए opposition को स्वयं कर्म करने पड़ेंगे ना, कोई दूसरे को खैरात में तो दे नहीं देगा सीटें। सरकार का जिम्मा थोड़ी है अपोजिशन को खड़ा कर देगा। बिल्कुल। फिर पूछ रहे हैं यही कांग्रेस का क्या होगा संजय जी, पप्पू शादी करेगा कि नहीं, क्या पिंकी के बच्चे वारिस होंगे? ये अच्छा सवाल है साहब, आप लोग फरमाएं। देखिए कांग्रेस कभी भी परिवार से मुक्त नहीं हो सकती, और जो इनकी संभावना है वो सही है कि परिवार कभी कांग्रेस को छोड़ेगा नहीं, और दरबारी कांग्रेसी ऐसा होने भी भले नहीं भले देश छोड़ दे उनको, लेकिन परिवार देश छोड़ दे उनको, हाँ परिवार नहीं छोड़ेगा पार्टी को। सहमति जी, आपकी भी सहमति। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। श्री हर्ष सर, टाइगर राजा सिंह इज बैक इनटू BJP, प्लीज मेक अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन तेलंगाना सर, आई फील वी आर बीइंग लेफ्ट आउट बाय एवरीवन। अरे भाई तेलंगाना का तो वैसे ही उसके हाल पर छोड़ दिया BJP ने, तो BJP ने ही छोड़ दिया उसको उसके हाल पे, यही प्रॉब्लम हुई जी। तो इसी के साथ आज के प्रश्न समाप्त और कार्यक्रम की घंटी हम बजा देते हैं समाप्त करने की। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।